तो मांग बहुत पहले की थी, वो तो कुछ भी कह सकते हैं क्योंकि उन सब के लिए तो यही कहना था और क्या कह सकते थे। मेरा मानना है कि जरूरत थी क्योंकि मध्य प्रदेश में करीब 55 जिले होंगे, वेस्ट बंगाल में अभी 7 जिले बने हैं अभी अभी, तो हर राज्य में जिले संख्या जो है, छत्तीसगढ़ की जिले की संख्या हमारे बराबर थी, राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य है, तो उसकी भौगोलिक स्थिति देखते हुए जरूरत थी। हमने बहुत स्टडी करने के बाद में ये निर्णय किया है 19 जिले और 3 संभागों का, और इसीलिए पूरे प्रदेशवासियों ने उसको वेलकम किया है। अब प्रशासनिक इकाइयाँ ज़्यादा सक्रिय होगी, लोग अप्रोच बढ़ेगी, दूर नहीं जाना पड़ेगा, 600 किलोमीटर जाना पड़ता था छोटे छोटे कामों के लिए, तो मैं समझता हूँ अच्छा फैसला हुआ। सर, संसद का बजट सत्र चल रहा है, बीजेपी अड़ी हुई है कि राहुल गांधी माफ़ी मांगे, जो बयान उन्होंने दिया है किस प्रकार से देखते हैं? ये पहली बार देख रहे हैं कि सत्ता पक्ष खुद ही जो है पार्लियामेंट को चलने रोक रहा है। ये बातें कोई देश तक सीमित ही रहती, दुनिया तक जाता हो क्या रहा है, जो सत्तारूढ़ पार्टी है वो खुद ही संसद को डिस्टर्ब कर रही है। माफ़ी किस बात की मांगे? अगर माफ़ी मांगे उसके पहले तो प्रधानमंत्री मोदी जी को माफ़ी मांगनी चाहिए थी, जिस उसमें वो बोलते गए 9 साल तक पूरे दुनिया के मुल्कों के अंदर देश के बारे में, जर्मनी में, कोरिया में क्या क्या नहीं कह दिया उन्होंने, किस प्रकार से 70 साल में कुछ भी नहीं हुआ देश के अंदर, काम पैदा हो गए हिंदुस्तान के अंदर, पता नहीं क्या क्या बोले होंगे वो, तो माफ़ी किनको मांगनी चाहिए पहले? और ऐसा क्या कहा जाए? आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये पूरी दुनिया देख सकती है, इंटरनेट का युग है, तो जो बातें राहुल गांधी जी ने यात्रा में कही थी, भारत जोड़ो यात्रा में, या उन्होंने दिल्ली में कही है मीडिया के सामने, वो बातें रिपीट की वहाँ पर, जब दिल्ली में कहा तब भी उनको मालूम था कि राहुल गांधी जी क्या विचार रखते हैं, तो ये इस प्रकार का बहाना करना, क्योंकि अडानी जी वाला केस बड़ा बड़ा केस है, जेपी जी बना नहीं रहे ये, तो उस पर बहस नहीं हो, इसलिए जानबूझ करके नाराबाजी कर रहे हैं, मैं समझता हूँ इसको उचित नहीं कहा जा सकता। और राहुल गांधी जैसा दबंग नेता ही इनका मुकाबला कर सकता है, जिस दिशा में देश जा रहा है वो बहुत चिंताजनक स्थिति है। ये देश किस दिशा में जाएगा, किस दिशा में जा रहा है कोई नहीं जानता है, इसलिए लोकतंत्र खतरे में सब जानते हैं। आतंक मचा रखा है ईडी ने, इनकम टैक्स ने, सीबीआई ने, पूरे देश के अंदर आप देख रहे हो क्या हो रहा है, सब विपक्षी पार्टियों के लोग हैं वही जेलों में बंद हो रहे हैं, उन्हीं का छापेमारी हो रही है, तमाशा बना रखा है इन्होंने, देश देख रहा है। मोदी जी को चाहिए कि राहुल गांधी ने जो कहा था भारत जोड़ो यात्रा के अंदर, महंगाई का मुद्दा है उस पर चिंता करनी चाहिए मोदी जी को, अभी समय है उनके लिए, भी 1 साल बाकी है, 1.5 साल बाकी है चुनाव में, उनकी चिंता करनी चाहिए महंगाई के बारे में लेके, उनकी चिंता होनी चाहिए बेरोजगारी को लेके, उनको विपक्ष को साथ लेना चाहिए, जो हिंसा हो रही है देश में, तनाव है, जिस प्रकार से राज्यों के अंदर पत्रकार, लेखक, साहित्यकार जेलों में बंद हैं, राजद्रोह के मुकदमे लग रहे हैं, अमीर गरीब की खाई बढ़ रही है, ये चिंता प्रधानमंत्री को नहीं होनी चाहिए? मोदी जी के लिए वक्त है, 1.5 साल बाकी है, सब बातें छोड़ करके, बहानाबाजी हो रही है जो पार्लियामेंट में बंद करके, उनको चाहिए कि चारों मुद्दे जो हैं ये देश के फ्यूचर के लिए बहुत ज़रूरी है, अमीर गरीब की खाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, असंतोष पैदा होगा तो क्या नहीं हो सकता है, अगर असंतोष एक सीमा पार कर गया तो गृहयुद्ध हो सकता है, दुनिया के मुल्कों में हुआ है, ये चिंता प्रधानमंत्री जी को और एनडीए गवर्नमेंट नहीं होनी चाहिए क्या? परवा तो डिक्टेटरशिप है, उनकी पार्टी में तानाशाही है, देश में तानाशाही चल ही रही है, उनकी खुद की पार्टी में तानाशाही का शासन है या उनकी पार्टी में अप्रोच है, इस कारण से किसी की हिम्मत नहीं है वहाँ पर किसी मंत्री की या किसी भी पार्लियामेंट मेंबर की या किसी पदाधिकारी की कि जाके वो सत्यता सच्चाई क्या है ज़मीन पे वो प्रधानमंत्री मोदी जी को जाके डिस्कस कर सके, ये हैसियत किसी की नहीं रही वहाँ पर। सर,
एक दो मंत्रियों के बारे में विश्वास करते थे कि बोल सकते हैं, गडकरी जी हैं, राजनाथ सिंह जी हैं, वो भी बोलना बंद कर गए। अमित शाह जी से क्या उम्मीद करें हम लोग, वो तो छापा डाल डलवा रहे हैं, ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई, हमारी गवर्नमेंट गिराने के लिए भी जो किरदार थे बड़े बड़े वो अमित शाह जी थे, आर डी प्रधान जी थे, गजेंद्र सिंह शेखावत थे, ये तो थे और कौन थे। उनकी चली नहीं वो अलग बात है, उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी करने में। इसलिए आज मैं कह सकता हूँ कि आज उनकी पार्टी में तानाशाही है, उनकी पार्टी में धीरे धीरे असहमति के स्वर उठने लगे हैं। मोदी जी के लिए एक मौका है कि आपको हिंदुस्तानी जनता ने दो बार अवसर दिया है। मुख्य समस्याएं देश की बेरोजगारी, महंगाई, और ये मैंने बार बार बोलते हम लोग जो राहुल गांधी जी ने कहा है कि तनाव हिंसा नहीं होनी चाहिए, प्यार मोहब्बत होना चाहिए देश के अंदर, और अमीर गरीबी खाई नहीं बढ़नी चाहिए। ये चार मुद्दे तो हैं, बाकी कई मुद्दे हो सकते हैं, इस पर प्रधानमंत्री को ध्यान देना चाहिए मेरा मानना। और पार्लियामेंट चलें, डिस्कशन हो, अगर मान लो अडानी जी के वहाँ डिस्कशन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो तो अपना रुख वही रखें जो उनको रखना है। पर देश में डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी के अंदर आप माइक बंद कर दो और कल तो कमाल ही हो गया, तो क्या किस दिशा में देश जा रहा, हम क्यों कह रहे हैं। तो आज इस देश के अंदर जो तानाशाही का रवैया है, लोकतंत्र खतरे में होने की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि सुनवाई नहीं हो रही, जुडिशरी में दबाव है, सब जगह इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में दबाव है, तो तमाम जगह हालात बहुत गंभीर है। बातें मैं समझता हूँ कि समय आ गया कि उनको विपक्ष को लेना चाहिए विश्वास के अंदर, प्रधानमंत्री मोदी जी को, और सबको प्रयास करना चाहिए नए सिरे से। बाकी तो हालात बहुत गंभीर है और मैं समझता हूँ कि उस गंभीरता को आम जनता को पहचानना पड़ेगा। मिडिल क्लास तो समझने लग गई है, व्यापारी उद्योगपति समझ रहा है, डर के मारे बोल नहीं रहा है, आम जनता नहीं समझ रही। हिंदू धर्म के नाम पर वो अभी भी मोदी जी करते हैं, वो भ्रम मोदी जी को बना हुआ है, पर ये जो भ्रम कब तक बना रहेगा वो भी समझ जाएंगे। कब तक भूखे पेट जो है भजन करते जाएंगे, आखिर में तो एक सीमा होती है उसकी भी। तो आज महंगाई बहुत भयंकर है, बेरोजगारी बहुत भयंकर है, कोरोना ने और ऊपर से मार बहुत बड़ी करी है, ये समझना चाहिए लोगों। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।